आपका क्या नाम है सर? कहाँ से? राहुल। मैं राहुल जी, कौन अगला प्रधानमंत्री? मोदी साहब। मोदी साहब क्यों? मोदी साहब वही के वो अच्छा काम कर रहे हैं, और बाकी क्या है, जो कि जो भी है एज ए नेता, उनका जो पॉपुलैरिटी है वो ऑल ओवर वर्ल्ड हमें पता ही है। अच्छा, ठीक है, लगता है कि विश्व स्तर पर नाम बढ़ा है। हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली बढ़ा है। हाँ जी, तो इस विपक्ष कांग्रेस जो है युवाओं के तौर पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करती है कि केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार नहीं लेकर आया, क्या लगता है? देखो जी, मैं तो रोजगार है मेरे पास और बहुत अच्छा रोजगार है। अच्छा। तो मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। यस। अच्छा, रोजगार के मुद्दे पर क्या लगता है आपको? भारत की जनसंख्या के मुताबिक महंगाई भी उस तरीके से विपक्ष लगातार इल्जाम लगाती है कि जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं है और महंगाई हो गई, इस सरकार में कुछ नहीं दिया, क्या कहेंगे? जनसंख्या पे तो हमारा नियंत्रण डेफिनेटली नहीं है, हम अभी चाइना से आगे हैं। अच्छा, ठीक है, तो उस पे होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इतनी आबादी इस वजह से गरीबी है कि ये केंद्र सरकार की गलती है, मोदी जी की गलती नहीं? इसमें तो किसी केंद्र सरकार की गलती नहीं बोलेंगे। हाँ। क्योंकि क्या है, जो जनसंख्या का डेफिनेटली असर पड़ता है, कहीं भी होगा तो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो उसका थोड़ा कंट्रोल होगा तो बेटर होगा। यस यस। सर ये भी बताइए राहुल जी, क्या लगता है अगर अगली बार प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी जी तो विकास होगा, भारत आगे जाएगा? कोई भी सरकार आएगी, विकास तो होना ही चाहिए, चाहे मोदी आए चाहे कोई भी आए। पर आज की डेट में जो भी काम चल रहा है, जो भी हो रहा है, तो सबका यही है कि मोदी साहब वापस आए। यस यस। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको बता दें कि लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज है और एक तरफ अडानी मामले को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। आज की ताज़ा खबर सुनिए। आज ये खबर सामने आई है कि अब कांग्रेस ने अडानी और केंद्र सरकार, जो मेन फोकस है मुख्य तौर पर केंद्र सरकार को टारगेट करने के लिए, विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, सदन की दोनों कार्रवाई ठप कर दी। और जिस तरीके से अडानी मामले को लेकर जांच चल रही है और जांच में अब तक ये भी सामने आया है कि कुछ रिपोर्ट्स के खुलासे अब तक नहीं हुए हैं, तो आपको बता दें कि लगातार जांच पड़ताल के बीच कितने शेयर्स अडानी के गिरे हैं और कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसके तौर पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपना खाता खोलने की कोशिश कर रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में सोनिया गांधी ने कहा है कि अडानी को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने फ़ायदा पहुंचाया है, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अपने अमीर दोस्तों के लिए बिजनेस करते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आपको बता दें, आज हम इंडिया गेट में मौजूद हैं और जनता से जानेंगे कि आखिर आम जनता इस मामले को लेकर क्या सोच रही है। क्या विपक्ष को कहीं ना कहीं हंगामे का मुद्दा मिला है या फिर जनता को गुमराह करने के लिए विपक्ष की तैयारी तेज है? कौन अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए? लोकसभा की चुनाव की तैयारी तेज हो रही है, अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हमारी समस्या तो नरेंद्र मोदी जी को ही। नरेंद्र मोदी क्यों बनना चाहिए भाई? उनके काम से हम लोग सब तरीके से पूरी तरह से खुश हैं। हाँ। चाहे किसी भी फील्ड में हो। हाँ। उन्होंने जितने विकास के काम किए, या किसी एक प्रदेश के लिए नहीं, ओवरऑल सब प्रदेश के लिए, सब पॉपुलेशन के लिए, तो वो चीज़ एक आम पब्लिक के बीच में एक जनरल मैसेज तो है कि इनसे बेटर कैंडिडेट हमारी नज़र में या सबकी नज़र में ऐसा तो नहीं लगता। अच्छा सर, ये भी बताइए, कहीं आपको अडानी मामले पर कुछ जानकारी हो? अडानी मामले पर सोनिया गांधी ने ऐलान किया है, पूरी कांग्रेस पार्टी एक हो गई है और कह रही है कि पूरे भारत में विरोध करेंगे, जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे। निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा बुरी कांग्रेस के समय थी और अब अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, विपक्ष ड्रामेबाजी कर रहा है अडानी मामले को लेकर, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सब तो ऐसे मैटर हैं, कुछ राजनीतिक आक्षेप होते रहते हैं इसमें। हाँ। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, चूँकि जांच का विषय है तो इसमें कंपनियाँ अपनी तरफ से जांच करेंगी। हाँ। बाकी जो होगा वो चीज़ खुद ही निकल के आएगा। भारत जोड़ो यात्रा सर क्या लगता है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि नाराजगी है मोदी जी को लेकर पूरे भारत में। भाई वो उनके अपने विचार होंगे। हाँ। हम लोगों को तो ऐसा नहीं लगता। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं। इसका मतलब आने वाले समय में आप मुकाबले में किसी को नहीं देख रहे? नहीं, विपक्ष अपनी तरफ से पूरी भरसक प्रयास करे। हम लोग भी चाहेंगे कि एक सामने मजबूत विपक्ष हो, एक बढ़िया लोकतंत्र के लिए। और लेकिन अभी तक की जैसी स्थिति है उस हिसाब से देख करके तो ऐसा लग नहीं रहा है। सर ये भी बताइए, अंतिम सवाल आपसे, सर क्या लगता है एक बार फिर से अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो विकास और होगा? क्योंकि विपक्ष कह रही है कि विकास ही नहीं हुआ है, जब से मोदी जी आए हैं अपने अमीर दोस्तों को कहीं ना कहीं उन्होंने फायदा पहुंचाया, अडानी को लेकर, अंबानी को लेकर तंज कसती है कांग्रेस, विपक्ष पूरी नहीं। हमारी समझ से तो विकास अभी बहुत हुए हैं। हाँ। और आगे बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। हाँ। और रही बात अडानी अंबानी की, तो भाई देखिए, भारतवर्ष कोई एक छोटा देश तो है नहीं। हाँ। इसमें सब वर्ग के लोग हैं। हाँ। भाई
अमीरों का भी विकास हो, साथ में गरीबों का भी विकास हो। अधिकतर सरकारों में ये होता था केवल अमीरों का ही विकास होता था या नेताओं के ही विकास होते थे, गरीब छूट जाते थे। तो यहाँ सामूहिक सभी का विकास हो, हाँ थोड़ा आम पब्लिक पे ज़्यादा फोकस किया जाए, ये बेटर राजनीति होनी चाहिए। ठीक है, आने वाले समय में क्या लगता है सर, लोकसभा चुनाव जो तैयारी तेज होने वाली है, उस पर कौन कौन से वो मुद्दे हावी होंगे कि मोदी जी को जनता पसंद करे, किस मुद्दों को लेकर कौन से वो काम होंगे सर, एक दो काम बताइए बस। काम के लिहाज से देखें तो एक जो नॉर्मल पब्लिक को पूरे कोविड पीरियड के दौरान जो उन्होंने राशन की योजना रखी, फ्री राशन की योजना, ये एक सबसे आम पब्लिक के लिए सबसे नंबर वन मुद्दा होना चाहिए, वो रहेगा भी वो। और साथ में तो बहुत से विकास की योजनाएं हैं और उनसे लोग अपनी अपने स्तर से वाकिफ है ही हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली आए हैं, चलिए इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर युवा भारत की क्या चाह रहे, कौन अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए सर? मोदी। मोदी जी क्यों बनना चाहिए? बस मैं अभी अच्छा काम कर रहे हैं ज़्यादा। अच्छा ये बताइए, आपको अडानी मामले में कुछ जानकारी है? नहीं मैं अभी नहीं, अभी आउट ऑफ टच हूँ। क्या लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं ये मुद्दा बनाकर घेरने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार को? अडानी के निवेश गिरते जा रहे, शेयर्स गिरते जा रहे हैं, आपको पता होगा दूसरी नंबर के अमीर से वो 14वें नंबर पर आ चुके हैं। तो विनय जी, भारत के युवा होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्या लगता है ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तौर पर हो रहा है? लोकसभा चुनाव नजदीकी कुछ पॉलिटिक्स का इतना पता नहीं, कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, इतना बता दीजिए मोदी जी क्यों बने चाहिए, क्यों लोकप्रियता बढ़? काम अच्छा कर रहे हैं बस। विपक्ष कहते काम ही नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, धर्म के अंदर। जब वो विपक्ष में आएंगे वो उनके लिए बोलेंगे काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। वो तो दिख रहा है जो कर रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा इमरान खान है। अच्छा, मैं लुधियाना से हूँ। ये बताइए इमरान जी, अगला प्रधानमंत्री 24 में कौन बनना चाहिए? बट मेरे अकॉर्डिंग तो अभी तो मेरा वैसे तो वोटर कार्ड ही नहीं बना है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अरविंद केजरीवाल, जैसे पंजाब में भी सरकार आई हुई है उनकी, तो उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। पहले बिजली के बिल की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल की, तो काफ़ी ज़्यादा थे जो कि अब जीरो आ चुके हैं। और अभी उनके भी स्टार्टिंग हुई है, होप्स हो कि आगे आने वाले फ्यूचर में वो और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, रिनोवेशन की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक सो ये डेवलपमेंट होगी। तो मैं मतलब केजरीवाल की तरफ जाना चाहूँगा। अच्छा, यस। अच्छा, केजरीवाल की तरफ से आपकी पसंद। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है अभी संसद में हंगामे का दौर देखने को मिल रहा है अडानी मामले पर, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी का ये मुद्दा कहीं ना कहीं मुद्दों से भड़काने के लिए कि आम जनता केंद्र सरकार के खिलाफ हो जाए, क्या लगता है? मैम देखो, मुझे इसके बारे में तो इतना नॉलेज है नहीं, क्योंकि मैं न्यूज़ वगैरह भी इतना गौर नहीं करता हूँ। बट जो चीज़ मेरे जो ट्रांसपेरेंट में होती है चीज़ें, जो चीज़ें हमें दिख रही हैं जनता को, मैम जो अगर नॉर्मल में बात करूँ, लोगों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, अगर कोई भी गवर्नमेंट हमें ये फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड अगर करती है, तो हम बिल्कुल हम उसके पक्ष में ही जाएंगे ना, क्योंकि हमें तो और कुछ नहीं चाहिए नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी लाइन आपको पता है इंडिया में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पॉवर्टी लाइन के लोग नीचे रह रहे हैं। अगर हम उनको हम चीज़ें दिखा रहे हैं, अगर अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं जुलूसगल पास जाके आया हूँ, वहाँ पे एक चीज़ मैंने गलत देखी कि वहाँ पे उन्होंने सारा ऑनलाइन टिकट किया हुआ है। वहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी वजह से करप्शन चल रहा है। वहाँ पे हमारे पास बॉयज़ आए, वो कहते हैं फॉरनर्स को, कहते हैं सर हम आपकी टिकट कर देंगे और हम उससे 500 रुपये लेंगे, 400 की टिकट है। तो कहने का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया तो बना रहे हैं, बट हम लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो कैसे अंदर जाएंगे, वो कैसे एंजॉय कर पाएंगे किसी भी मूवमेंट को? तो कहने का मतलब वो उनको बेस से लेके चले, पब्लिक को सबको देखें। जी ठीक है, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। सर कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मुकेश। अच्छा मुकेश जी, ये बताइए अगला भारत का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी क्यों होना चाहिए? वैसे देखा जाए तो विदेश की जो नीति है और उस चक्कर में हर चीज में बेस्ट है। ठीक है, आपका क्या नाम है, कहाँ से है? मुकेश, मैं भी राजस्थान से। दोनों मुकेश है। अगला प्रधानमंत्री कौन? मेरे हिसाब से गांधी, राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? चॉइस है मेरे। अच्छा ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल होगी? उनकी हुई है अभी जो समाप्त हुई। हाँ फर्क पड़ेगा और देश को समझने का मौका भी मिला है। ठीक है चलिए शुक्रिया। क्या नाम है सर, कहाँ से हैं? नागौर। अगला प्रधानमंत्री कौन? ध्यान में नहीं है भाई मेरे। अच्छा ठीक है चलिए।